आज का जो स्टॉक है वो है नेशनल एल्यूमिनियम नालको। मैंने नालको को यहाँ पे रिकमेंड किया था पहले भी एंड यहाँ पे मैंने 141 के टारगेट्स दिए हुए हैं नालको में। एंड जैसे कि आपको पता है कि जब मैंने दिए वो ऑलरेडी उस समय ओवरबोल्ड जोन में था एंड उस समय भी यहाँ पे आपको अप मूव देखने को मिला भी है एंड लेकिन जो मेटल सेक्टर ओवरऑल यहाँ पे ओवरबोल्ड जोन में था एंड जहाँ पे आपको बिकवाली देखने को मिली मेटल सेक्टर में, वो चीज़ यहाँ पे नालको में भी आपको इम्पैक्ट दिखा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको एक फर्डर नीचे 61 के आसपास के लेवल्स और आपको देखने को मिलेंगे। एंड मैं ये चीज़ आपको नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आप लोगों के लिए एक मौका है। जिसने अभी भी यहाँ पे नालको नहीं खरीदे वो उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे नालको खरीद के यहाँ पे बाय करना। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ यहाँ पे आपका क्या हो सकता है आगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये इसका भी हाई है यहाँ पे, फिर मैं बात करूँ यहाँ पे ये एक राउंडेड बॉटम चार्ट फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है। जब ये राउंडेड बॉटम चार्ट क्रिएट करेगा तब यहाँ पे आपको इमीडिएटली सीधा 82 के लेवल से देखने को मिलेंगे। जब 82 के लेवल से देखने को मिलेंगे तो मेटल सेक्टर में भी यहाँ पे आपको एक वापस से रिबाउंस देखने को मिलेगा। उस समय यहाँ पे आपको 100 के लेवल से गारंटी देखने को मिलेंगे नालको में। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए 61 के आसपास ये जा सकते हैं, मे बी 66 के आसपास से। अब ये देखने के कहाँ से एक सपोर्ट लेते हैं, मेरे हिसाब से तो 61 के आसपास से इसको सपोर्ट लेना चाहिए एंड यहाँ से इसको रिबाउंस करना चाहिए। लेकिन हाँ मैं बोलूँ ओवरऑल स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, ले नेगेटिव नहीं है। जो लोग नहीं लिए हैं वो यहाँ पे बाय करें, जो लोग ले के रखे हैं ऑलरेडी वो होल्ड करें एंड जिनको यहाँ पे और लेना है तो यहाँ पे धीरे धीरे वो और ऐड करते जाएं। यहाँ पे आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है नालको, आने वाले टाइम में ये एक अच्छा मल्टी बैगर यहाँ पे बन सकता है इजीली। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है आने वाले 1 से 2 साल में तो 200-300 के भी लेवल्स यहाँ पे आपको ईजिली देखने को मिलेंगे। एंड मैं अभी भी बोलूँ तो यहाँ पे 141 के लेवल्स मेरे लिए रेडी हैं। मैंने खुद ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें, तो आप लोग भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यही है कि 61 के आसपास यहाँ पे आपको लेवल्स स्टार्टिंग में देखने को मिल सकते हैं अभी, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको रिबाउंस मिलेगा। मौका है, छोड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। एंड यहाँ पे आपको ऊपर में 100 के लेवल से इमीडिएट देखने को मिलेंगे जब ये यहाँ से रिबाउंस करेगा तो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि 141 भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएंगे।